Hello guys, how are you? I hope you are fine. In this video, I am going to discuss your lesson in a very different way. I fully hope you will find this technique very useful. And you will do the story in a very quick way. And it will help you retain in memory also. स्टोरी को याद रखने के लिए भी ये टेक्निक आपको बहुत हेल्प करेगी. योर लेसन इज द रैट ट्रैप बाय सलमा लैगरलॉफ. इन दिस स्टोरी फर्स्ट वी विल सी द थीम ऑफ द स्टोरी, इनहेरेंट ह्यूमन गुडनेस. अकॉर्डिंग टू द राइटर, ह्यूमन बीइंग इज बेसिकली गुड, बट अंडर सर्कमस्टांसेस समटाइम्स human being goes on wrong way, but if we understand him or her, we can draw the goodness in human being. This is the theme of the story. Setting of the story is Sweden. Then title, The Rat Trap. The rat trap here is being used metaphorically. World has been compared with a rat trap. Characters are very important in the story. First we will see minor characters. Two characters, blacksmith, you see, and crofter. Blacksmith in Ramso Iron Mill. He is haughty and careless. He doesn't answer the peddler in a nice way. He doesn't even look at him. वो उसकी तरफ देखता भी नहीं है. He didn't care who the person was. He just nodded. Our main character peddler went to the crofter's cottage. He has no family, wife or children. He is a very good host. The crofter gave the peddler shelter, allowed him to stay in his cottage. He gave him food also, supper. He entertained him by playing cards with him, also shared his secrets with him. और अपने कॉन्फिडेंस भी वो उसके साथ शेयर करता है. तो गुड होस्ट है, बट ही इज ए बिट बोस्टफुल पर्सन. इट्स नॉट गुड टू शो हिज मनी टू द स्ट्रेंजर. और स्ट्रेंजर को उसने 30 kronor दिखाए और उसकी उसने फिर प्राइस भी पे की. तो बोस्टफुल है थोड़ा कैरेक्टर, बट नाइस कैरेक्टर इन द स्टोरी. नाउ अवर मेजर कैरेक्टर्स आर 3. ए पिवोटल कैरेक्टर इज द पेडलर, घुमक्कड़. द पर्सन हु वांडर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट पर्सन इज कॉल्ड पेडलर. इसके लिए कई वर्ड्स यूज किए गए हैं. वेगाबॉन्ड भी यूज किया गया है स्टोरी में, ट्रैम्प भी यूज किया गया है. पेडलर, दो पेडलर इज वेरी पुअर, हंग्री. ही अर्न्स हिज लिविंग बाय सेलिंग रैट ट्रैप, बट हिज बिजनेस इज नॉट प्रॉफिटेबल. सो समटाइम्स ही हैज टू बेग, कभी कभी भीख भी मांगनी पड़ती है. और अपना पेट भरने के लिए उसको कभी कभी चोरी भी करनी पड़ती है. बट ही हैज फिलोसॉफिकल माइंड ऑल्सो. लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो बेवकूफ है, बिल्कुल स्टूपिड पर्सन है. नो, वन डे ही हैज एन आइडिया दैट द वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप एंड ऑल द रिचेस, जॉयज एंड बिग सिटीज एंड ब्यूटी ऑन द अर्थ आर जस्ट बेट फॉर ह्यूमन बीइंग. दे आर टेम्प्टेड टू द बेट एंड एंटर्स द रेड ट्रैप. एंड वंस ह्यूमन बीइंग इज ट्रैप्ड इन द रैट ट्रैप दैट इज क्लोज्ड ऑन हिम, और उसके ऊपर वो रैट ट्रैप हमेशा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है. इसकी दूसरी सेंस क्या है कि ह्यूमन बीइंग के लिए ये सब क्या है, माया है. जैसे हमारी फिलोसॉफी में, इंडियन फिलोसॉफी में कहा गया है कि हम माया से, रिश्तों से, चीज़ों से जुड़कर संसार में फंस जाते हैं. और फिर इस संसार से मोह को छोड़ना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है. तो समथिंग लाइक दिस उसने ये मेटाफर दिया है. नेक्स्ट अवर मेजर कैरेक्टर इज आयरन मास्टर. ही इज एन एम्बिशियस पर्सन.
He wants to produce good quality of iron and very hard working also. He doesn't sit idle at night, takes round of the mill, but he is a reckless person also. He just sees the stranger and soon comes to the conclusion that he is his regimental colleague. When he meets the peddler in daylight, he realizes that he has done a great mistake. Soon he loses his temper and threatens him to hand him over to the police and is ready to turn him out of the house. तो यहाँ पर उसका थोड़ा शॉर्ट टेम्पर शो होता है आयरन मास्टर का. नेक्स्ट अवर कैरेक्टर इज एडला विल्मनसन, डॉटर ऑफ आयरन मास्टर. शी इज ए वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग इन द स्टोरी. यू कैन से शी इज वेरी गुड होस्ट, बहुत अच्छी होस्ट है. शी टेक्स ग्रेट केयर ऑफ द पेडलर. शी नोज दैट द पेडलर इज ए हंग्री पर्सन. शी ट्राइज हर बेस्ट to make him feel comfortable. उसको comfortable feel कराने के लिए वो पूरी कोशिश करती है. She is very compassionate person, kind person. She observed that peddler was a criminal. Even then, she did not pay attention to this aspect of the peddler. She brought him home और वो अपने घर पर लेकर आती है और उसकी देखभाल करती है. Understanding human being. Adela is a very understanding person. She knows he is a criminal. He has done something wrong. Even then she tries to understand him. Ki how people chase him. Log kaise usko chase karte hain. He has not enough money to fill his stomach. Aur apne father ke samne uske favor mein पूरे आर्गुमेंट्स भी देती है. व्हेन हिज फादर इज रेडी टू टर्न हिम आउट ऑफ द हाउस, फादर से रिक्वेस्ट करती है कि कम से कम क्रिसमस तक उसको घर पर रोका जाए. पेडलर अपनी मर्जी से घर में नहीं आया था, उसको लाया गया था. तो ये एडला के आर्गुमेंट्स होते हैं. एंड हिज फादर हैड टू गिव इन, और फादर को झुकना पड़ा. She is a very persuasive person. When peddler declined the invitation of the iron master, he sends his daughter Adela to bring him to his house. और अपने घर पर लाने के लिए वो उसको भेजते हैं. और क्रिसमस तक उसको रोकने के लिए वो अपने फादर को मना लेती है, राजी कर लेती है. ये हमारे मेजर एंड माइनर कैरेक्टर्स हैं स्टोरी में. There is conflict in every story. Story का जो plot होता है उसमें हर story में आप देखेंगे एक conflict होता है. हमारी story में conflict कहाँ start हुआ? When peddler steals 30 kronor of the crofter. जब वो crofter के 30 kronor चोरी करता है वहीं से conflict start होता है. He tries to escape the police. पुलिस से बचने की कोशिश करता है. ही डिक्लाइंस द इनविटेशन ऑफ द आयरन मास्टर. वो उसका रन इज एट आयरन मास्टर्स हाउस. जब वो उसको पहचानता है और उसको धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा कि तुमने मुझे चीट किया है, धोखा दिया है, वहाँ पर जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लाइमेक्स पर है. कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व भी किया जाता है. हर स्टोरी राइटर उसको रिजॉल्व करता है. इस कॉन्फ्लिक्ट का रिजोल्यूशन कैसे होता है? ट्रांसफॉर्मेशन इन पेडलर. ये बहुत बड़ी बात है. इन द बिगिनिंग वी डोंट फाइंड पेडलर ए गुड ह्यूमन बीइंग. ही शोज हिज वीकनेस. ही स्टील्स द मनी ऑफ द पर्सन हु रिपोज्ड फेथ इन हिम. Who gave him food, shelter, entertained him. He cheat that person. He deceived that person. But by the end of the story, peddler is transformed. Peddler is changed person. He returns the money of the crofter. वो crofter के 30 kronor वापस भी करता है. Leaves a small rat trap as a gift to Adela.
And he writes a letter also, ki how Erla saved him from going down in life. कैसे उसको और बड़ा क्रिमिनल होने से वो उसको बचाती है. ही इज ए थैंकफुल पर्सन ऑल्सो. हम कह सकते हैं कि पेडलर एक थैंकफुल पर्सन भी है. एंड ही ट्राइज टू रिपे द डेट. एडला के डेट को, उसका जो एक अच्छाई का जो कर्ज था उसको चुकाने की वो पूरी कोशिश करता है. हाउ? बाय गिविंग हर ए स्मॉल रैट ट्रैप एज ए गिफ्ट. अब उसके पास जो भी था वो उसने बदले में कुछ देना चाहा. एडला ने अच्छा किया तो उसने भी उसको बदले में कुछ अच्छा देना चाहा. और एज ही हैज रिटन इन द लेटर, ही बिहेव्स विद द डिग्निटी ऑफ ए कैप्टन. जो कैप्टन उसको कहा गया तो उसने लास्ट में एक कैप्टन की गरिमा से ही व्यवहार किया है. पैसे भी लौटा कर, चाहे वो नीडी था फिर भी उसने वो पैसे रिटर्न किए, गिफ्ट दिया और एक बहुत अच्छा लेटर लिखा एडला के लिए थैंकफुल होकर. एडला इज एबल टू ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन बीइंग, टू ड्रॉ द गुडनेस इन हिम. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. मैंने तो बहुत एंजॉय किया. आई एंजॉय माई वर्क और आपको ये सब बहुत अच्छा लगा होगा. 5-10 मिनट्स में यू गो थ्रू द स्टोरी. और याद रखने के लिए पॉइंट्स, ये टेक्निक मुझे लगता है कि बहुत आपको यूजफुल होगी. और प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि आपको ये टेक्निक कैसी लगी. सो दैट आई कैन थिंक ऑफ न्यू टेक्निक्स इन कमिंग डेज. और आगे आने वाले टाइम में मैं और भी नई टेक्निक्स सोच सकूं. ओके, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.